YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। NHM कर्मचारियों की हड़ताल 10वें दिन भी लगातार जारी है और ये तस्वीरें जो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रेवाड़ी, गुरुग्राम और भिवानी की है। गुरुग्राम में NHM कर्मचारियों के हड़ताल को आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, वहीं रेवाड़ी में धरने पर बैठे करीबन 23 कर्मचारियों को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। ये तीन तस्वीरें आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी NHM कर्मचारियों की ओर से दे दी गई है और पिछले 10 दिनों से लगातार NHM कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 23 NHM कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, नौकरी से टर्मिनेट भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 10वें दिन भी लगातार अपनी मांगों को लेकर नियमित करने की इनकी मांग है और इसी को लेकर धरना लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी भी अब उनके समर्थन में उतर आई है, आम आदमी पार्टी ने धरने को समर्थन किया है। सुन रही है, 10 दिन से जो मरीज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ अनदेखा कर रही है सरकार। यहाँ पे निक्कू वार्ड, मैटरनिटी वार्ड और हर एक PSC पर से जो जन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारी मांगे जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी, हम यूं ही कंटिन्यू हड़ताल को अपनी कंटिन्यू रखेंगे और जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती हम इस हड़ताल को नहीं हटेंगे जी। जब तक हमारी सरकार हमारी जो बातें हैं वो नहीं मानती है, अभी तो फिलहाल जो है अभी थोड़े बहुत प्रभाव आने शुरू हो गए हैं, जैसे मेडिकलों में, सिविल हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर जब दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे तो इस शायद सरकार इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि दुष्प्रभाव आने शुरू हों और उसके बाद हम कोई स्टेप। हड़ताल में अभी हमें टर्मिनेशन दिया है जिससे हमारा जज्बा लड़ने का और बड़ा है। इस प्रकार की दमनकारी जो भी तरीका अपना रही सरकार, ये आगे आने वाले इलेक्शनों में अपने वोट बैंक पर कील ठोक रही है और हम जो है अपने हकों की लड़ाई मांग रहे हैं। पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्या तनख्वाह मांगना जायज़ नहीं है? क्या तनख्वाह मांगना गुनाह हो गया कि हमें जो है टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया? बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए, यही कहना चाहूँगा। हड़ताल लगातार 5 तारीख से जारी है, जिसके बारे में 2 बार हमारी वार्ता ACS महोदय व MD साहब के साथ हुई थी लेकिन वो विफल रही। उसके लिए कल हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाई हम कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द कर्मचारी की सभी मांगों का समाधान करवाएं ताकि स्वास्थ्य सुचारू रूप से चल सके। NHM कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। प्रदेश में बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, बावजूद इसके कर्मचारी लगातार अपने हड़ताल पर डटे हुए हैं और हम गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी अस्पताल में NHM कर्मचारी बरसात के मौसम में भी कोई छाता लेके खड़ा है तो कोई बरसात में भीग कर खड़ा है और अपनी जो मांगे हैं वो लगातार कर रहे हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि अब गुरुग्राम में जो NHM कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी आ गई है। हमारे साथ गुरुग्राम जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के और प्रदेश प्रवक्ता RS राठी जी हैं। राठी सर, क्या आप लोग आश्वासन दे रहे हैं, क्या इनको समर्थन दे रहे हैं NHM कर्मचारियों को? हम लगातार ये 10 दिन से इनकी हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं और इनकी पूरी की जो जायज मांगे इनकी मांगों के लिए हम खड़े हुए हैं। तन मन धन से जो भी हमारा समर्थन मांगते हैं हम इनके साथ खड़े हुए हैं और सरकार के साथ हर संघर्ष में इनके साथ। जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश सैनी के साथ सुनील यादव, खबरें अभी तक, गुरुग्राम।